गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच लाया हूं हायर ट्रिगोनोमेट्रिक के समेशन ऑफ सीरीज का एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम। ये थ्योरम कह रहा है कि आपको सम निकालना है कोसाइन का, जिसका एन एंगल क्या है आपका, जिसमें एंगल जो है वो क्या है आपका एपी में है, एपी में उसका एंगल है। मीन्स फाइंड करना है सम ऑफ द कोसाइन ऑफ ए सीरीज ऑफ एंगल विच आर इन एपी। यानी आपको कह रहा है कि आप सम निकालिए उन सीरीज का, किस सीरीज का, तो कॉस के सीरीज का, जिसका एंगल क्या हो आपका एपी में हो। अब मान लेते हैं हम यहाँ पे कि अल्फा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस टू बीटा डॉट 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 अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, ये क्या है आपका एन एंगल है जो एपी में है, ये हम एज्यूम कर लिए। फिर मान लेते हैं कि ये जो सीरीज है आपका कॉस का सीरीज जिसका एंगल एपी में है, इसका इस सभी का सम ये एस है आपका, ये हम मान लिए। अब आप जानते हैं वी नो डैट टू साइन बीटा बाई टू इन टू कॉस अल्फा प्लस के बीटा इक्वल टू, ये कैसे आया? तो देखिए आप पढ़े हुए हो कि 2 cos a और sin b, इसका फॉर्मूला होता है आपका sin a प्लस बी, माइनस में होता है आपका sin a माइनस बी। ये इसमें यदि हम पुट करें a का वैल्यू पुट करें अल्फा प्लस के बीटा एंड बी का वैल्यू यदि हम पुट करते हैं बीटा बाई टू, तो ये जो फॉर्मूला आया आपका टू साइन बीटा बाई टू कॉस अल्फा प्लस के बीटा, इसका वैल्यू हो जाएगा साइन अल्फा प्लस टू के प्लस वन बाई टू बीटा माइनस साइन अल्फा प्लस टू के माइनस वन बाई टू बीटा, ये आ जाएगा आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको ले लिए इक्वेशन वन। इक्वेशन वन में हमने क्या क्या पुट किया, इसमें पुट किया के इक्वल टू, पहले के का वैल्यू लिए हम क्या इसमें जीरो लिए, वन लिए, टू लिए, ऐसा ही चलता रहा, एन माइनस वन लिए। कहां पे पुट किए, इन वन में। वन में जब हम के का वैल्यू जीरो वन टू डॉट 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 एन माइनस वन रखें, तब वन का वैल्यू जो है आपका चेंज होता जाएगा, सभी के लिए अलग अलग वैल्यू आएगा। पहले क्या करते हैं हम इसमें पुट किए के का वैल्यू जीरो, के का वैल्यू जीरो रखें तो ये आ गया टू साइन बीटा बाई टू इंटू में हो गया आपका कॉस अल्फा प्लस जीरो, मतलब कॉस अल्फा। इधर आ गया राइट साइड में आपका साइन, यहाँ पे के का वैल्यू जीरो रखे तो जीरो प्लस वन वन बाई टू आया, ये आया अल्फा प्लस बीटा बाई टू, ये आया आपका। और माइनस में आया के का वैल्यू अगर हम यहाँ जीरो रखे तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू, तो अल्फा माइनस बीटा बाई टू ये आया। ऐसे ही जब हम के का वैल्यू वन रखें तो यहाँ आ गया टू साइन बीटा बाई टू, वन रखने पे ये आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, इधर भी आप वन रखें तो वन टू वन थ्री आ गया, ये आ गया आपका अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू ये, और माइनस में हो गया आपका साइन वन रखने पर ये अल्फा प्लस बीटा बाय टू ये आया। इसी प्रकार दो रखने पे ये आ गया आपका टू साइन बीटा बाय टू, यहाँ पे कॉस अल्फा प्लस टू बीटा ये इक्वल टू में आया आपका साइन, यहाँ पर दो रखे तो टू और टू फोर प्लस वन फाइव आ गया, अल्फा प्लस फाइव बीटा बाय टू, माइनस में आ गया साइन अल्फा प्लस थ्री बीटा बाई टू, ये ऐसा ही चलता रहा। एन के बदले में एन माइनस वन रखें तो ये आ गया टू साइन बीटा बाई टू इंटू में आया आपका कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, ये
राइट साइड में आ गया। राइट साइड में जब वैल्यू रखे n माइनस वन रखे यहाँ, तो ये आ गया साइन अल्फा प्लस n माइनस वन रखोगे 2n माइनस टू प्लस वन, 2n माइनस वन तो 2n माइनस वन बाई टू बीटा ये आया, और माइनस में हो गया आपका माइनस में यहाँ पे n माइनस वन रखे तो 2n माइनस टू माइनस वन ये हो गया आपका साइन अल्फा प्लस 2n माइनस टू और माइनस वन मिलके हो गया माइनस थ्री बाई टू बीटा ये। तो जब हम इक्वेशन वन में कंडीशन वन में k का वैल्यू जीरो वन टू डॉट 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 n माइनस वन रखें तो ये हमको इतना प्राप्त हुआ। अब हम क्या करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, एडिंग बोथ साइड, एडिंग किए आप दोनों ओर ऐड कर दीजिए, एडिंग बोथ साइड। एडिंग करने पे ये क्या आया, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ये जो है आपका टू साइन बीटा बाई टू, देख रहे हैं सभी टर्म में है आपका, सभी टर्म में, तो ये हम कॉमन ले लिए, टू साइन बीटा बाई टू आपका कॉमन हो गया। तो रहा क्या, पहला टर्म में रह गया कॉस अल्फा, दूसरा टर्म में लेफ्ट हैंड साइड में रह गया कॉस अल्फा प्लस बीटा, फिर ऐसे ही रह गया कॉस अल्फा प्लस टू बीटा, ऐसे ही चलता रहा तो लास्ट में आपका रह गया कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किए, राइट हैंड साइड में ऐड करोगे आप तो देखिए ये पहला टर्म और ये दूसरा का दूसरा टर्म सेम है, तो आप देखोगे ऐसे ही कट का जाएगा, जो कैंसिल आ रहा है उसको हम कैंसिल कर दिए। कैंसिल करने पे ये बचा हमारा कितना, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में रह गया साइन अल्फा प्लस टू एन माइनस वन बाई टू बीटा ये, और माइनस में रह गया साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू ये रहा हमें। अब देखिए यहाँ पे इतना लिखने के बाद हम क्या के इसको अब रफ कर रहे हैं, हमें उम्मीद है आप ये समझे होंगे आप लोग। अब देखिए यहाँ पे रफ करने पे आपका क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड में हमको मिला ये एडिंग, ये है टू साइन बीटा बाई टू, और याद करिए स्टार्ट में ही इस सब का वैल्यू ऐड करने पे ये आया, लिए थे हम एज्यूम किए थे वो लिख लिए। अब यहाँ पे है आपका ये जो रिजल्ट आया है वो पहले लिख लेते हैं, तो साइन अल्फा प्लस 2n माइनस 1 बाई टू बीटा ये, और यहाँ पे माइनस आया आपका साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू ये आया। हाँ यही हमको मिला है ऐड करने पे, दोनों ओर जब ऐड किए सभी को। अब देखिए हम आप जानते हो ये फॉर्मूला पढ़े हो आप कि सिंस साइन ए माइनस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला होता है टू कॉस ए प्लस बी बाई टू इंटू साइन ए माइनस बी बाई टू ये, इसका यूज करेंगे हम। तो ये आ गया यहाँ पे कितना, तो ये एस पहले लिखे इंटू टू साइन बीटा बाई टू ये राइट हैंड साइड में आ गया टू कॉस, दोनों को बाबू ऐड करोगे आप तो देखिए अल्फा प्लस टू एन माइनस वन बाई टू बीटा ये, प्लस किए बीटा, बीटा क्या है आपका अल्फा माइनस बीटा बाई टू, इन सब के नीचे में क्या है टू है, ए प्लस बी बाई टू। अब देखियो ऐड ऐड किए अल्फा अल्फा टू अल्फा आया, बीटा बाई टू कॉमन ले लिए आप दोनों में से बीटा बाई टू, तो प्लस आया टू एन माइनस वन टू बीटा बाई टू, इसके नीचे में टू है, आप देखोगे सॉल्व करने पे ये आ जाएगा टू अल्फा बाई टू, अल्फा आया प्लस यहाँ पर दो दो कट ही गया तो ये आ गया एन माइनस वन बीटा, इसके नीचे में दो लिए तो बीटा बाई टू ये प्लस करने पे। अब इसी को यदि माइनस करें आप तो ये माइनस हो गया, ये आपका प्लस हो गया, माइनस करने पे अल्फा कट गया आपका, यहाँ पे बीटा बाई टू कॉमन लिए हैं तो टू एन माइनस वन, और यहाँ पे प्लस वन है तो ये आ गया टू एन,
दो दो कट गया एन बीटा बाई टू, तो ये आया आपका साइन में आया साइन एन बीटा बाई टू। ये अब देखिए हमको तो निकालना है सम निकालना है, तो यहां से आपका ये सम हो गया कितना, तो ये टू साइन बीटा बाई टू नीचे ले लिए, तो टू कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाई टू ये इनटू में आपका हो गया साइन एन बीटा बाई टू, ये इसके नीचे में आ गया आपका कितना, तो टू साइन बीटा बाई टू, ये दो दो हमारा कैंसिल हो गया, तो ये सम निकाले हम सम आ गया कितना, तो पहले अगर साइन एन बीटा लिखे तो ये साइन एन बीटा बाई टू सम, ये एन बीटा बाई टू बाई में आ गया साइन बीटा बाई टू, ये इंटू में रह गया आपका कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय टू, ये आया। यानी हम कहेंगे क्या, तो मीन्स ये हो गया कि कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा प्लस टू बीटा, ऐसा ही कंटिन्यू चलता रहा, कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा, ये इसका वैल्यू आप निकाले हैं, इसका वैल्यू निकला है हमको साइन एन बीटा बाई टू, इसके नीचे में आ गया आपका साइन बीटा बाई टू, ये इंटू में रहा आपका कॉस अल्फा प्लस एन माइनस वन बीटा बाय टू, ये आया। तो हमको उम्मीद है कि आप लोग ये समझे होंगे, बड़ा आसान है ये, जैसे साइन का पढ़े हैं हम लोग इसका पिछला वीडियो में पहला वीडियो में, वैसे ही कॉस का है, दोनों में कोई अंतर नहीं, हल्का अंतर ये है डिफरेंट कि कॉस वाले में आप पढ़े हो यहाँ कॉस होता है और साइन वाले में यहाँ साइन होता है, सिर्फ यही अंतर है। तो इस पे आधारित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हमको उम्मीद है आप लोग ये समझे होंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो आप हमसे संपर्क करिए, मेरा संपर्क नंबर आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसकी सहायता से आप हमसे संपर्क करिए, उम्मीद है हम उसकी आपकी जो भी समस्या होगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं लाऊं उस समय तक के लिए आप सबको बाय, फिर मिलेंगे, नया वीडियो लाऊंगा इसी पे आधारित क्वेश्चन लाऊंगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा आप सबके लिए, और हमको उम्मीद है आप सबको वो फायदेमंद रहेगा बीएससी के एग्जाम के लिए। तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए जो इसी दोनों थ्योरम पे, जो थ्योरम पढ़े हैं थ्योरम फर्स्ट वीडियो में और सेकेंड वीडियो में जो पढ़े हैं उसी पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। तो हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे उस वीडियो में, बाय।